हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बिलासा ग्रेसी कोचिंग। आज का जो वीडियो है काउंसलिंग 2023 पीएटी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएटी 2023 में एग्रीकल्चर में काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था उनके लिए वीडियो है कि उनको स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग में क्या करना है, कैसे आपको प्रोसेस करना है, आपको कॉलेज अगर मिल जा रहा है तो आपको क्या करना है, ये सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं आज बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल में नया आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करिए ताकि आपको जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी है आपको इस चैनल में आसानी से मिल जाएगा। इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। ये टाइम टेबल आप देख रहे होंगे, जब से एग्रीकल्चर पीएटी का काउंसलिंग चल रहा है तब से 20 सितंबर तक का प्रोसेस तो अब ख़त्म हो चुका है। इसके बाद का प्रोसेस अब बचा है। जो ये स्टूडेंट स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग में अप्लाई किया था तो वो अपना अगर पीडीएफ में वो देखना चाह रहा है कि लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं, तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना है, लाइव सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। अपन बात करते हैं कि अब स्टूडेंट लोग जिनका नाम है स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग में उनको करना क्या है। तो उनको 25, 26 और 27 ये तीन डेट दिया हुआ है। इस तीन डेट में आपका एक काउंसलिंग चलेगा जो स्पॉट है और कन्वर्जन काउंसलिंग। अभी कैसे चलेगा तो 25 तारीख को जैसे सोमवार को बात करें तो इस दिन आपको अपने आईडी में लॉगिन करके देखना पड़ेगा। उसमें आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको कॉलेज मिल गया, वो कॉलेज आपको पसंद आ रहा है, वहाँ आपको पढ़ना है, तो आपको आईजी के भी रायपुर में उपस्थित होकर उसी दिन 25 को उपस्थित होकर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरिफिकेशन कराएंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा फिर आपके लॉगिन आईडी में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको जो कॉलेज का फीस है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो आपका कॉलेज क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा कि आपको वहीं पढ़ना है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो सीट अलॉट हुआ है वो उसी दिन क्या होगा, निरस्त हो जाएगा, मतलब उस दिन आपको वो जो सीट मिला है वो निरस्त हो जाएगा। और ये सिर्फ कब, अगर आपको 25 को मिला है तो ये सब प्रोसेस आपको 25 को ही करना है। तो ऐसा करके 25 को जो इन स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिला उनको 26 को मिलेगा, 26 को नहीं मिला उनको 27 को मिलेगा। तो तीन दिन इसका प्रोसेस चलेगा और आपको जिस दिन कॉलेज मिलेगा उसी दिन फीस पेमेंट करना ही रहेगा, वरना तभी आपका कॉलेज सिक्योर रहेगा, वरना वो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपको सीट जो है निरस्त हो जाएगा। यही आपका स्पॉट काउंसलिंग है। आपको याद रखिएगा आईजी के वी रायपुर में उपस्थित होना है। ये उन स्टूडेंट लोग के लिए है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है। जिन स्टूडेंट लोगों ने आईजी के वी जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है उन स्टूडेंट लोग के लिए है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं तो आपके उसमें सीट दिखेगा और सीट के बाद आपका जो कॉलेज मिला है वो दिखेगा, और जो कॉलेज में आपको सीट मिला है उसका जानकारी आपको उसमें शो होते रहेगा। वहाँ पर आप जाके फिर पेमेंट, आपको कॉलेज पसंद आ रहा है तो पेमेंट आप कर सकते हैं। अभी इसको देखना कैसे है आपको, तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाके IGKV रायपुर सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके एडमिशन में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, या आप यहाँ IGKV में क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल हो जाएगा, फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। इसमें आप एडमिशन में जा सकते हैं या एडमिशन में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको UG में क्लिक करना है। UG में क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन का ऑप्शन आपका दिखाई देगा, उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और ये जो वर्ड दिया है इसको यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके में ये पेज ओपन हो जाएगा, ऐसा आपका पूरा प्रोफाइल निकल जाएगा। आप जो काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए भरे हैं तो सब प्रोफाइल आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ सामने में आपको जो भी कॉलेज मिला है, जैसे अगर आपको मिल गया IGKV रायपुर मिल गया, तो ये आपका कॉलेज यहाँ पर शो होते रहेगा। यहाँ पर कॉलेज का नाम रहेगा, जैसे ही आपको पसंद आता है तो आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं तो IGKV का जो काउंसलिंग हॉल है वहाँ जाके आपको अंदर में जाके
आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका एक लेटर निकल जाएगा, एप्लीकेशन लेटर निकल जाएगा, उसको ले जाके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है। यही स्पॉट काउंसलिंग कन्वर्जन काउंसलिंग का प्रोसेस है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस चैनल में मिल जाए। और उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर का पढ़ाई भी हम इस चैनल के माध्यम से कराएंगे, वो भी निःशुल्क रहेगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो डले वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप में आप अपना नाम और PAT का रैंक लिख के मैसेज करिए, आपको हम लोग जो काउंसलिंग का ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू।